लोकसभा चुनाव में युवा वोटर्स को साधने के लिए इस बार उम्मीदवार कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाह रहे। भोपाल लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार दिग्विजय सिंह ने युवा वोट बैंक को साधने और उन तक अपनी पहुंच बनाने के लिए युवा विजय संकल्पित दिग्विजय कार्यक्रम शुरू किया है। दिग्विजय का कहना है कि युवाओं के साथ पारस्परिक संवाद स्थापित करने और उनकी समस्याओं, आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को समझने और उस दिशा में काम करने के लिए ये पहल की गई है। दिग्विजय ने लोकसभा चुनाव के समय युवाओं को सोशल मीडिया के जरिए अपनी बात पहुंचाने के लिए आमंत्रित किया है। इसके साथ ही एक नंबर भी जारी किया है जिसके माध्यम से युवा अपने सुझाव दे सकते हैं। नमस्कार, मैं दिग्विजय सिंह, कांग्रेस पार्टी का भोपाल संसदीय क्षेत्र का उम्मीदवार। इस देश के युवा इस देश के भविष्य है। मेरी प्राथमिकता होगी कि आपके युवाओं की अपेक्षाएं, उम्मीदें, विचार मुझे आप दें। आज से नया कार्यक्रम मैं प्रारंभ कर रहा हूं, युवा विजय संकल्पित दिग्विजय। मुझे उम्मीद है कि आप मुझे अपने अपेक्षाएं, उम्मीदें व विचार स्क्रीन पर लिखे फोन नंबर पर भेजकर मुझे अवगत कराएंगे या विभिन्न सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से आप मुझे अवगत कराएंगे। मेरी ये पूरी कोशिश होगी कि मैं आपके कसौटी पर खरा उतरूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बीजेपी के गढ़ में चुनाव लड़ रहे दिग्विजय की युवा वोटर्स को साधने की ये रणनीति मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकती है। भोपाल लोकसभा सीट पर 21 लाख से अधिक वोटर्स में एक चौथाई ऐसे वोटर हैं जिनकी उम्र 18 से 29 साल के बीच है। 5 लाख से अधिक युवाओं का ये वोट बैंक चुनाव में गेम चेंजर की भूमिका निभा सकता है। दिग्विजय की राह आसान करने के लिए कांग्रेस का छात्र संगठन NSUI भी अब पूरी तरह चुनावी मैदान में डट गया है। संगठन के प्रदेश प्रवक्ता विवेक त्रिपाठी वेब दुनिया से बातचीत में कहते हैं कि संगठन के कार्यकर्ता कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जाकर युवा वोटर्स को कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। इसके साथ ही युवाओं तक कमलनाथ सरकार के कामकाज और कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र में युवाओं के लिए किए गए वादों को समझा रहे हैं। वहीं पहली बार वोट डालने जा रहे युवा वोटर्स के संपर्क के लिए NSUI पूरे प्रदेश में विशेष अभियान चला रही है। संगठन से जुड़े लोग कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जाकर पहली बार वोट डालने जा रहे युवा वोटरों से सीधे संपर्क कर रहे हैं। वेब दुनिया से बातचीत में त्रिपाठी कहते हैं कि आज युवाओं में सोशल मीडिया के प्रति लगाव को देखते हुए संगठन ने युवा वोटरों का बड़ा डेटा बैंक तैयार किया है और अब चुनाव के समय सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए उन तक पहुंच बनाने की कोशिश कर रही है। विवेक दावा करते हैं कि बीजेपी सरकार की नीतियों से अब युवा नाराज है और भोपाल सहित पूरे देश में युवा इस बार कांग्रेस का साथ देंगे।